हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आकाश और आप देख रहे हैं पैशन अबाउट यूट्यूब चैनल को। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज का जो वीडियो होने वाला है वो राजकुमार राव के ऊपर होने वाला है। तो गाइस, देखते हैं इसका ड्राइंग कैसा हो पाता है। तो ठीक है गाइस, बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहले से आउटलाइन ड्रॉ करके रखूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आउटलाइन के ऊपर एक ड्राइंग बनाऊँ या एक वीडियो बनाऊँ, तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है गाइस, चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, पहले आप देख सकते हो मैं ड्राइंग शुरू कर रहा हूँ आई से। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं हर वीडियो में आई से ही ड्राइंग शुरू करता हूँ। तो गाइस, देखिए आप कैसे आई को ड्रॉ कर सकते हो, और मैं जहाँ जहाँ जैसा कर रहा हूँ उसको आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए किधर कितना ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। तो गाइस, देखो वीडियो को। और गाइस, मैं इस वीडियो में जो जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया वो है एक 2B पेंसिल, 4B एंड 6B, और मैंने ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज़ किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लेंडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं बनाऊंगा। और मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प से ज़्यादा ब्रश को ही प्रेफर करता हूं, क्योंकि ब्रश से जो है आपका स्किन जो है ड्राइंग का वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है। ब्लेंडिंग स्टम्प में क्या होता है, वो थोड़ा सा रफ टाइप का हो जाता है। तो ठीक है गाइस, अब देखो वीडियो को मैं ड्राइंग कैसे करता हूँ। तो गाइस, आई ड्राइंग के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नोज और लिप का थोड़ा आउटलाइन बना के पूरा फेस में पहले एक टोन दे देता हूँ, जो कि फर्स्ट टोन है, स्किन टोन जो बोल सकते हो आप। वो टोन देने के बाद मैं ड्राइंग में आगे बढ़ूँगा। तो आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। अगर आप मेरे रूल को फॉलो करते हो, मेरे तरीके को फॉलो करते हो, तो आपका भी ड्राइंग बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और आपको पसंद है ऐसे ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को देखो। और गाइस, आप जब हेयर लाइन को ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो है आपको हमेशा एक ही लाइन की ओर हेयर लाइन को खींचना है या ड्रॉ करना है। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको एक ही दिशा में ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं, तो आपका ड्रॉइंग जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा पहले होता था, मैं ठीक से हेयर लाइन ड्रॉ नहीं कर पाता था। तो गाइस, मैं प्रैक्टिस से देखो आप इतना आ रहा है, कुछ खास तो नहीं हो रहा है, तो अब इतना ही आ रहा है। तो अगर आप भी इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप देखिए लाइन को हमेशा एक ही ओर खींचिए। इससे क्या होगा, इसका ड्राइंग का वो हेयर जो है वो बहुत ही नेचुरल रहेगा। ठीक है गाइस,
देखो। तो गाइस कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और नीचे दिए गया सब्सक्राइब बटन जो है ना उसको भी दबा देना, और साथ ही साथ बेल वाले घंटे को भी दबा देना। तो गाइस अगर आपको ऐसा ही ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को विजिट एंड सब्सक्राइब दोनों ही कर सकते हो, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसा ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।